आठ में से आठ आईपीएल मुकाबलों में हार मिलने के बाद अब शायद मुंबई की टीम को एहसास हो चुका है कि उन्होंने जो हार्दिक पांडे और बाकी कुछ खिलाड़ियों को नहीं किया रिटेन, जो गलत थी उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी, अब पड़ रही है रोहित शर्मा और ओनर अंबानी इस पे काफी ज्यादा भारी। कौन से हैं वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। मुंबई इंडियंस वो टीम जो अभी तक आईपीएल का खिताब सबसे ज्यादा बार अपने नाम कर चुकी है, अब आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम हो चुकी है। और इसी बीच वो महान खिलाड़ी जिसे उन्होंने ऑक्शन से पहले रिटेन नहीं किया, उनकी टीम इस समय सबसे ऊपर है। जी हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। अब शायद अफसोस हो रहा होगा मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटजी को जो उन्होंने बनाई थी, जिसके चलते एक ऐसी हार देखने को मिल रही है, लगातार हार देखने को मिल रही है। भला वो टीम लखनऊ की हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, कोलकाता की हो, या फिर वो टीम हो चेन्नई सुपर किंग्स की, किसी भी टीम के सामने मुंबई अभी तक जीत अर्जित करने में असफल रही है। आपको बताएं कि इस वीडियो में कौन से हैं वो खिलाड़ी जिनको खोने के बाद अब मुंबई इंडियंस सोच रही होगी ये थी उनकी गलत स्ट्रैटेजी। बताएंगे आपको इस वीडियो में कौन से हैं वो खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक की मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस हमारी इस रिपोर्ट में। मुंबई की पलटन के सरदार, उनके कप्तान रोहितमैन शर्मा का बल्ला उतना बेखूबी बोल नहीं रहा है। हालांकि सीजन के पहले मुकाबले में देखा जाए तो 32 गेंदों में 41 रनों की पारी से अच्छी शुरुआत की थी अपने आईपीएल सीजन की, लेकिन उसके बाद से अभी तक इस खिलाड़ी और इस कप्तान के तौर से कोई भी एक बढ़िया पारी हमें देखने को मिली नहीं है। जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के सामने 10 रन बनाए थे 5 गेंदों में, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 25 के स्ट्राइक रेट के साथ 12 गेंदों में 3 रन बनाए थे, आरसीबी के सामने 15 गेंदों में 26, पंजाब के सामने 17 गेंदों में 28 यहाँ देखने को मिला था। बेंगलोर और पंजाब की टीम के सामने एक शुरुआत तो मिली थी रोहित शर्मा को, लेकिन उस शुरुआत को कुछ आगे तब्दील कर नहीं पाए थे। और अपने आखिरी मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 7 गेंदे खेली, रन बनाए हैं मात्र 6। देखा जाए अपने 6 मुकाबलों में इस ओपनिंग सलामी बल्लेबाज ने कुल मिला के सिर्फ 114 रन ही जड़े हैं, जिसके दिन उनका एवरेज मात्र 16.2 का है। जहां मुंबई की पलटन के लिए ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा का ना चलना एक काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है। देखना होगा बचे हुए मुकाबलों में क्या रोहित शर्मा का बल्ला बोल पाता है या उनका ये सारा का सारा सीजन खामोशी निकल जाएगा। जिस तरह आपने देखा अभी तक पहली जीत नहीं मिली है, और सबसे पहला नाम तो यही आएगा हार्दिक पांड्या उस लिस्ट में जो आपने खिलाड़ी नहीं लिया, वापस नहीं किया रिटेन। हार्दिक पांड्या को अगर रिटेन कर लिया जाता तो जी बल्ले के साथ वो खिलाड़ी फॉर्म में है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं अभी तक, फिलहाल अभी इंजरी के कारण गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी भी हार्दिक पांडे के इस क्रम की है कि उनकी टीम 8 में से 7 मुकाबले जीत के सबसे टॉप पे है मौजूद। उसके बाद बात कर ली जाए, जरूर इस बार हमें तेज गेंदबाजी में वो धार देखने को मिल नहीं रही है, भला वो टाइमन मिल्स हो, भला वो डैनियल सैम्स हो, भला वो रेले मेरेदिथ हो, कोई भी फॉरेन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का दूसरे छोर से अच्छा साथ दे नहीं पा रहा है। तो याद इस बार जरूर आ रही होगी उन्हें ट्रेंट बोल्ट की, जो पिछले कुछ सीजन्स में जसप्रीत बुमराह का बढ़िया साथ निभाते थे। लसित मलिंगा के बाद ट्रेंट बोल्ट ही एकमात्र नाम थे जो थी मुंबई इंडियंस की विकेट्स की चाबी, लेकिन वहां से विकेट्स भी नहीं आ रही आपके पास। तीसरे नंबर पे बात की जाए, फॉरेन बैटर के रूप में उनके पास डेविल ब्रेविस तो जरूर मौजूद है, नन्ना एबी डिविलियर्स है, कुछ पारियां खेली हैं, अतरंगी शॉट्स भी लगाए हैं, लेकिन शॉट्स में वो बात नहीं है जी जो होती थी क्विंटन डिकॉक के, क्योंकि वही है अगली दिक्कत मुंबई इंडियंस के लिए। इससे पहले रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक ओपन करते थे, ईशान किशन मिडल ऑर्डर आके संभालते थे, लेकिन ईशान किशन ओपनिंग में चल नहीं पा रहे हैं और आपके पास कोई फॉरेन बैटर भी नहीं है। यही रहेगा तीसरा खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक, जिसकी कमी इस समय मुंबई इंडियंस को बेहद खल रही होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है फिरकी का जादू, जहां पे मुर्गन अश्विन है आपके पास एकमात्र स्पिनर, उसके अलावा किसी गेंदबाज का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि मयंक मार्कंडे हैं, लेकिन उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। तो मुर्गन अश्विन और मयंक मार्कंडे के होते हुए भी जो कमी खल रही है वो यहाँ पे खल रही है राहुल चहर की, जो पंजाब किंग्स के लिए रेगुलर विकेट टेकर हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, इकोनॉमिकल रह रहे हैं, और साथ ही में बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूशन बेहद बढ़िया दे रहे हैं। तो ये हैं वो चार खिलाड़ी जिनकी कमी इस समय मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा खल रही होगी, खासकर उसके अंदर हार्दिक पांड्या रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक और राहुल चहर।
क्या और कोई भी खिलाड़ी है जिससे मुंबई इंडियंस को बाय बैक करना चाहिए था इस साल की आईपीएल ऑक्शन में, कमेंट करके हमें बताइए। लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।